जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि क्या हम नॉनवेज और अंडा खा सकते हैं या नहीं। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगी इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में जय गुरुजी लिखना मत भूलना। गुरुजी ने इस पर कहा है कि नॉनवेज नहीं खाओगे तो चंगे रहोगे, मतलब आप नॉनवेज और अंडा नहीं खाओगे तो अच्छे रहोगे। इसका मतलब गुरुजी नॉनवेज और अंडे के फेवर में तो नहीं हैं। कई संगत को लगता है कि गुरुजी ने कहा है खा लिया करो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा बहुत बार पुरानी संगत के साथ हुआ है कि वो नॉनवेज, अंडा या ड्रिंक करके गुरुजी के पास चली जाती थी और फिर झिझकती थी कि हमने तो ड्रिंक करी हुई है या हमने नॉनवेज या अंडा खाया हुआ है, स्मोक की हुई है, तो गुरुजी हमें कुछ कहेंगे तो नहीं। तो वो संगत गुरुजी से आंखें नहीं मिला पाते थे, लेकिन दर्शन करने चले जाते थे। तब गुरुजी कहते थे, मैंने कुछ कहा नहीं हुआ है कि खाओ पियो या मत खाओ मत पियो। कोई बात नहीं, जब समय आएगा मैं अपने आप ही छुड़वा दूंगा। ऐसे ही ड्रिंक स्मोक करने वालों को भी गुरुजी यही कहते थे, जाओ कर लो स्मोक और ड्रिंक, जब समय आएगा ये सब छुड़वा दूंगा। ऐसा समय आ जाता है कि अंदर से खुद मन नहीं करेगा इन सब चीज़ों का, तो समझ जाना गुरुजी वो समय ले आए। गुरुजी ने अपना काम कर दिया। ये सब खाना पीना कोई पाप नहीं है। जिस दिन आप गुरुजी के घर में भोग लगाते हो या आपके घर में कोई सत्संग हो रहा हो या आपको किसी सत्संग में जाना है या आपको बड़े मंदिर में दर्शन करने जाना है, तो आप उस दिन ड्रिंक मत करो, स्मोक मत करो, नॉनवेज अंडा मत खाओ। एक बात बताओ संगत जी, जब नवरात्रे आते हैं हम लोग तब भी तो वैसे ही करते हैं। हम ड्रिंक नहीं करते, नॉनवेज नहीं खाते, इन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं, अंडा तक नहीं खाते। तो क्या हम जैसे नवरात्रों में कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, वैसे ही जब हमें बड़े मंदिर जाना है या किसी सत्संग में जाना है या अपने घर में हमने कुछ स्पेशल बनाया है और गुरुजी को भोग लगाना है, अगर हम सिर्फ उस दिन के लिए नॉनवेज, अंडा, ड्रिंक, स्मोक सब कुछ छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? एक दिन की तो बात है, हम एक दिन नहीं खाएंगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें गुरुजी के सामने खड़े होने में झिझक नहीं आएगी। हम गुरुजी से आंखें मिलाकर उनको प्रसाद दे पाएंगे। ऐसे ही एक संगत जी ने मुझसे पूछा था कि वो खाती तो नहीं है लेकिन वो अंडा और नॉन वेज बनाती हैं घर वालों के लिए, तो क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? नहीं संगत जी, आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो। अगर आपके घर में सब खाते हैं तो आप उनको सिर्फ बना कर दे रहे हो, आप खा नहीं रहे हो। गुरुजी ने आपका नॉन वेज और अंडा सब कुछ छुड़वा रखा है। कोई टाइम आएगा धीरे धीरे आपकी फैमिली भी खाना बंद कर देगी और उनको भी समझ आ जाएगा कि ये सब गुरुजी ने छुड़वा दिया है। अगर आप जिस दिन भी बना रहे हो, आप उस दिन गुरुजी को भोग मत लगाओ, आप गुरुजी के सत्संग में मत जाओ, आप उस दिन बड़े मंदिर दर्शन करने मत जाओ, क्योंकि आपने नॉनवेज बनाया तो है, खाया नहीं है तो क्या हुआ। लेकिन जिनके घरों में नॉनवेज बनता है, ध्यान रखें गुरुजी के बर्तन पहले से ही अलग रखें, गुरुजी को अपने बर्तनों में ही भोग ना लगाएं। सारी संगत जी के लिए ये बात है, गुरुजी के लिए एक प्लेट, कटोरी, चम्मच, ग्लास अलग से लाकर रखिए। जब भी घर में सत्संग हो तो उसी को यूज़ करें। घर में जो सब जिसमें खाना खाते हैं वो बर्तन यूज़ ना करें, चाहे वो नॉनवेज खाते हो या ना खाते हो। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको गुरुजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।
मैं उसका आंसर कमेंट्स में या फिर वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।